जाता है। कभी देखे हो कि एक लड़का के लिए दो लड़की लड़ी है, नहीं लड़ेगी, अच्छा तुम ले हम दूसरा फंसा लेंगे। युवा जो है आधा तो युवा लड़का लड़की में परेशान है, वो फंस जाते तो कितना अच्छा रहते, फंसाओ तू। जिसने ये तीन चीजों को काट लिया, हटा लिया, हमारे हिसाब से उस विद्यार्थी को उसी समय मोक्ष मिल गया। फिर उसे आगे बढ़ने से रोकेगा कौन, ये बताओ? नहीं, कोई नहीं रोक। अकेले में लड़का ये रिवाइज करता कि कल खान सर क्या पढ़ाए हैं, जहां आप मैथ पढ़ते हैं वो मैथ के टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो नहीं याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी ये। मर मर ससुरा तू नहीं, यहाँ पे लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हा? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुश नसीब समझ बैठे। इस सब में मत पड़िएगा। टेम्पोररी चीज को आप टेम्पोररी ही समझिएगा, अगर उसे परमानेंट समझने लगते हैं तो फिर आपकी बर्बादी होगी। समझ आ गया कि नहीं? मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। समझ में आ गया आप लोगों? बौद्ध धर्म की बर्बादी का कारण, बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बट गया, दो भाग, चौथी बौद्ध संगीत। लाइव वाले सब लोग ध्यान से ही सब समझना, जिसको बाबू मेरा काम आपको समझाना, आप समझे ना समझे आपका काम है। जिस लड़के ने यह तीन चीजों को निकाल दिया अपनी जिंदगी से, उसके लिए आगे बढ़ने से भगवान भी नहीं रोक सकता उसको, कभी नहीं। आप लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसमें चाइना बहुत मजा लेता है। भारत के लोग आराम से लड़ो लड़ो, एक बार राजनीति में, एक बार धर्म में, एक बार लड़की के नाम, लड़की के लिए मार हो जाता है, लड़का लड़ जाता है। कभी देखे हो कि एक लड़का के लिए दो लड़की लड़ी है, नहीं लड़ेगी, अच्छा तुम ले हम दूसरा फंसा लेंगे, कोई बात। इसमें किसी को अभी बौद्ध धर्म में दिक्कत है तो बोलो।